एमआयएमची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत सोलापूरचे शंकर लिंगे, मुंबईचे महेंद्र रोकडे, सुभाष तंवर यांच्या सोबत एमआयएम नेत्यांची बैठक झाली असून येत्या 3 ते 4 दिवसात उमेदवारांची अंतिम यादी ठरवणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलंय. वंचित आणि एमआयएम एकत्र असून जोमाने निवडणूक प्रचार करणार आहे. बाळासाहेब आंबेडकर यांना एक ताकदवर नेता म्हणून पुढे आणणार आहेत असे या बैठकीत सांगण्यात आले. एमआयएमची 100 जागांची मागणी होती, पण 80 जागांवर एमआयएम लढण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या वेळी 24 पैकी 2 जागा जिंकून 9 ठिकाणी आम्ही 2 नंबरवर होतो, तर एमआयएम सोशल इंजिनिअरिंग करणार आहे. नुसते मुस्लिम नाही तर मराठा, ब्राह्मण, एससी एसटी सर्व समाजातील उमेदवार उभे करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. लवकरच औरंगाबाद मुंबई उदयपूर विमानसेवा सुरू होणार आहे. तर या बैठकीत औरंगाबादच्या विमान आणि रेल्वे सेवेबाबत प्रश्नांना वाचा फोडण्यात आली. शहरातील जयश्रीरामच्या मुद्द्यावर जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, मग ते कुठल्याही जाती धर्माचे असो असे या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. प्रतिनिधी इम्रान शेख, आधार न्यूज, औरंगाबाद. देखिए, पहले हमने जो किए थे अराउंड 100 सीट्स हमने इसके ऊपर फाइनल किए थे, लेकिन ये वो 100 सीट्स थी कि जहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, जहाँ जहाँ के क्षेत्र के लोग थे, उन लोगों की इच्छा थी कि वहाँ पे हमने इलेक्शन लड़ना चाहिए करके. लेकिन फिर हमने खुद ने भी सेल्फ असेसमेंट किया और खुद उस सेल्फ असेसमेंट के बाद हमको ऐसा लगा कि नहीं, 100 के नहीं, हम लोग अराउंड 80 सीट्स, 80 सीट्स के करीब हम लोगों ने तय किए. और वो 80 सीट्स का है तो हमने फाइनल करके लिस्ट है तो बाड़ा साहब के पास भेज दिए थे काफ़ी दिन पहले. फिर बाड़ा साहब के पास से मैसेज आया था कि हमारी जो 3 मेंबर कमेटी है जो इस बारे में है तो पूरा चर्चा करेगी, उनके साथ आज के दिन मीटिंग हुई और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में है तो डिटेल के अंदर चर्चा हुई. हमने अपनी साफ मंशा कर दिए है कि जिस तरह से लोकसभा के अंदर हम सब साथ में थे, विधानसभा के अंदर पूरी ताकत के साथ और उतरेंगे. इस बार अवेसी साहब भी फ्री रहेंगे, हम भी फ्री रहेंगे, तो हम ये करेंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 80 के ऊपर भी अड़े रहेंगे करके. कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अगर बाड़ा साहब कहते थे कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है तो थोड़ा सा इसके अंदर कुछ ये है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार है. लेकिन ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, हमारी ऐसी मांग है. उन्होंने कहा है कि हम 3 दिन के अंदर इसके ऊपर फैसला लेंगे. हमने कहा कि 3 नहीं, 4 दिन ले लीजिएगा आप, 4 दिन के बाद अगर हमारे पास लिस्ट बता दीजिएगा और जो क्लियर सीट्स है वो क्लियर सीट्स के बारे में डिटेल दे दीजिएगा ताकि हम उसके ऊपर हमारा काम शुरू कर दें. हा वीडियो तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी वीडियो पाहण्यासाठी आधार न्यूज YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका.